हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 पर आ चुके हैं, जिसका हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। निम्नलिखित को पी बटी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल जीरो। तो दोस्तों, जो ये दिए हैं हमें, दशमलव दिए हैं, इन्हें हम क्या करना है, हमको पी बटी क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों, यहाँ पास हमारा पहला क्वेश्चन है, 0.6 को हमें क्या करना है, इसे हमें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है ना। इसी तरह हमें इन सभी को क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्रमशः पी बटे क्यू के रूप में इनको व्यक्त करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि इन्हें पी बटे क्यू के रूप में आप कैसे बड़े आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हल करते हैं पहला क्वेश्चन लेकर और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 0.6 ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसे हम हल करते हैं। हल, तो दोस्तों आप यहाँ बताइए हमें कि 0.6 क्या है, आपको पता नहीं ना, तो इसे हम मान लेते हैं। जो चीज़ पता नहीं रहती उसे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसे मान लेंगे x बराबर क्या मान लेंगे, 0.6 है ना। दोस्तों, यहाँ पास आपको क्या करना है, आप इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 0.666 और भी है ना, एंड सो ऑन। तो दोस्तों, आप इसे 666 क्यों लिख दिए, क्योंकि ये बार का मतलब क्या होता है, छह अपनी क्या है, सिक्स जो है वो क्या हो रही, रिपीट हो रही है ना। और जितने संख्या के ऊपर क्या हो, बार लगा हो, उतनी संख्या क्या हो रही है, उसमें रिपीट हो रही। तो यहाँ पास इसी प्रकार 0.666 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है ना, रिपीट हो रही। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास आप एक चीज ध्यान रखिए, आपकी जितनी संख्या क्या हो रही, रिपीट हो रही ना, उतने आप जीरो लगाना है, किसमें, एक में, ठीक है ना। तो एक में उतने जीरो लगाना जितने संख्या रिपीट हो रही है ना। तो मान लो ये इसमें कितने संख्या की रिपीट हो रही, केवल एक की हो रही, छह की है ना। तो आपने एक के साथ एक जीरो लगा दिया। मान लो कोई संख्या है 0.47 ही है, ठीक है ना, और इस पे क्या हो रही, दो संख्या रिपीट हो रही है, मतलब 0.47 47 47 47 ऐसे ही अनंत तक आएगी। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जितनी संख्या रिपीट होगी एक के साथ उतने जीरो लगा देंगे, है ना। तो ये हो गया 100, ठीक है ना। अब इसको जीरो लगाने की मतलब क्या है, हम इसे जैसे 100 है ना, तो हम इनके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 100 को गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इसमें हमारा क्या है, 10 आया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पास लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। तो 10 का यहाँ पास गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x है ना, और ये क्या हो जाएगा, 10 × 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है, और भी, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये हो जाएगा, जब 10 का दोनों पक्षों में आप गुणा करेंगे, फिर दोस्तों इसको आप गुणा कर दीजिए, तो 10 का ये 10x ही रहेगा, और जब 10 का 0.66 में आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 6.666 है ना, यहाँ पास 6.666 आएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो दोस्तों, गुणा करने पर ये आएगा, गुणा अगर करते नहीं बनता तो आप हमारे वीडियो पिछला देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 7, 8 और 9, उसमें यही आपको परिमेय संख्या ही व्यक्त करना है, उसमें हमने आपको गुणा बता दिया है। तो दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, इसे समीकरण आप 1 दे दीजिए और इसे समीकरण क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करिए, समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर तो हम समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, 10x और क्या है, इक्वल 6.666, और समीकरण 1 क्या है, x इक्वल 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसे हम घटाते हैं, क्या आता है घटाने पर, ये होगा 0 और ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये क्या होगा, 6 होगा, है ना, और ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और इधर इक्वल उतर जाएगा, और इधर 9x हो जाएगा, है ना। तो 9x इक्वल कितना आया, 6.00। तो दशमलव के बाद जो 0 होता है उनका क्या होता है, मान नहीं होता है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9x इक्वल 6 लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों, हमको करना क्या है, यहाँ पास x की मान निकाल लेना है ना। तो अगर 9 जो है इसके गुणे में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो 6y9 हो जाएगा, यानी 6/9 हो जाएगा, और ये कट रहा ना, कट रहा क्या, हाँ कट रहा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 है ना। तो x बराबर आपको क्या मिला, x बराबर आपको मिला 2/3।
तो आप देख सकते हैं यहाँ परिमेय संख्या में ये व्यक्त हो गया है ना, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो गया है ना, जहां क्या है, जहां क्यू नॉट इक्वल जीरो है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आपको इसे हल करना है, और इसे आप वीडियो रोक कर आप इसे लिख सकते हैं, और ऐसे ही आपको कॉपी में करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 0.4 दंड 7। तो दोस्तों दंड 7 है, तो इसे हम पहले क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है ना। तो हम हल करते हैं और मानते जाते हैं हल। तो ये क्या होगा, एक्स बराबर 0.4 दंड 7, ठीक है ना। अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, जो संख्या रिपीट होती है ना उसको और अधिक लिख दो, है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.4 और 7 7 7 अनंत तक जाएगी, है ना। तो इसलिए डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है ना, और इसे कर देते हैं हम समीकरण 1, ठीक है ना, पहले की जैसे सेम वही करना है। अब दोस्तों यहाँ पास मैंने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, जितने संख्या की क्या हो, पुनरावृत्ति हो ना, 7 की केवल एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही, 7 की केवल, है ना। तो यहाँ पास हम एक के साथ एक जीरो लगा देंगे, है ना। अगर 2 की होगी तो हम 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए एक के साथ हमने एक जीरो लगा दिया। अब कर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में इसका गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पास लिखेंगे 10 का 10 का दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा, ठीक है। तो गुणा कर देंगे, करो गुणा, ये हो जाएगा क्या, 10x, और ये क्या हो जाएगा, 0 10 गुणे क्या हो जाएगा, 0.4777, ठीक है। अब इसे क्या कर सकते हो दोस्तों, एंड सो ऑन, ये अब इसे गुणा कर दीजिए, पहले 10x हो जाएगा ये, और ये क्या है, इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4.777 एंड सो ऑन इतना आएगा, ठीक है ना। अगर गुणा करते नहीं बनता तो प्लीज हमारा उदाहरण नंबर 8, 7 और 9 देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी पिवट परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब गुणा करने के बाद इसे समीकरण 2 बना दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, समीकरण 2 में माइनस कर दीजिए समीकरण 1, है ना, समीकरण 1, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10x और इक्वल 4.777 एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल 0.777 ए 0.477 है ना। तो यहाँ पास ये 4 4 7 7, ठीक है ना, तो ये 4 7 7, ठीक है ना। ये हो गया डन। अब क्या करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसे माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 10 पहले इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, 7 में 4 गया, कितने होता है, 3 होता है ना। और ये क्या है, दशमलव का दशमलव, और ये 4 हो गया, है ना। इक्वल क्या हो गया, 10x में 1x गया तो कितना हो गया, 9x हो गया, है ना। अब हमको क्या करना है दोस्तों, 9x बराबर क्या आया, 4.3। दशमलव के बाद 0 अगर आती हैं तो उनका मान नहीं होता, है ना। तो हमें 9x इक्वल कितना मिल गया, 4/4.3। तो अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, इस दशमलव को पहले किसमें चेंज कर लेते हैं, किसमें चेंज कर लेते हैं, बटे में। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, दशमलव को 9x इक्वल कितना हो जाएगा, इसको दशमलव में चेंज करने के लिए इसको पूरा ऐसे लिख दीजिए, 43 इसको लिख दीजिए, और दशमलव को 1 लिख दीजिए उसके बटे में, और दशमलव के बाद जितने अंक हो उसको 1 जीरो लगा दीजिए, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये गुणे में है इसकी, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 43 43/90, है ना, गुणे हो जाएगा। तो दोस्तों ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। अगर कट रहा है, ये कट रहा तो इसे आप काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, है ना, और इसे भी हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 0.001। तो दोस्तों सबसे पहले वही हल करेंगे, हल क्या, इसे एक्स बराबर मानेंगे, है ना। तो एक्स बराबर हमने मान लिया 0.00
a001, ठीक है ना। तो ये हमने इसको मान लिया x बराबर, इसे अब हम और किसी तरह लिख सकते हैं, 0.001001 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, और 001, ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दशमलव को क्या करेंगे, जितने संख्या रिपीट हो रहे हैं ना उतने जीरो लगा देंगे, किसके साथ, एक के साथ। तो क्या करेंगे, 1 2 3, तीन संख्या रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम यहाँ पास क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। तो एक के साथ 3 जीरो लगा दिए, अब हम क्या करेंगे, 1000 का दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, है ना। इसे समीकरण एक बना लीजिए, और एंड्स वन ये ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 1000 का दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ हम करेंगे गुणा, तो क्या आएगा, ये 1000x हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 0.0001001001 और भी एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे समीकरण दो कब बनाएंगे, पहले गुणा कर दे फिर उसके बाद समीकरण दो बनाएंगे ना। तो ये हम पहले, तो चलिए इसका गुणा करते हैं, क्या होगा, गुणा एक तरीका और है, 1 2 3 0 ना, तो 1 2 3 इसका होगा 1.001001 और एंड सो ऑन, ठीक है ना। और इसे बना देंगे हम समीकरण दो, है ना। तो इसे हम क्या कर देंगे, समीकरण दो। अब दोस्तों करना क्या है, समीकरण एक में दो को घटाने पर, है ना, दो को घटाने पर, ठीक है ना, घटाने पर, ठीक है ना। तो अब हम घटाते हैं समीकरण दो, एक दो क्या है अपने पास, 1000x, और ये क्या है, समीकरण इक्वल 1.001001, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या है, समीकरण हमारे पास एक क्या है, समीकरण एक है, x इक्वल क्या है, 0.001001, ठीक है ना। अब घटा देते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, और ये माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, 3990x, है ना, 1000 में एक एक्स गए तो 999 हो जाएगा, है ना, और ये गए तो 0.0000, है ना, सब जीरो हो जाएंगे यहाँ दशमलव तक, और ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या होगा, 3990x इक्वल क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो यहाँ पास 3990x इक्वल क्या होगा, 1 होगा, और x इक्वल क्या होगा दोस्तों, 1/3990, है ना। तो ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त, है ना, जहाँ पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त हो गया ना, जहाँ क्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है ना। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, तब तक के लिए बाय बाय।